राम कृपाल जी, क्या उन फैक्टर्स में ज्यादा मदद पहुंचाई है इसने या इस यात्रा ने, या उससे उसमें भी कुछ फर्क नहीं पड़ा है? क्योंकि आपका अगर छवि बदल रही है या आप एक ओवरऑल नैरेटिव बनाना चाह रहे थे उन मुद्दों के इर्द गिर्द जिन्हें आप मुद्दा बनाकर चुनाव लड़ना चाहते थे, तो फिर उसका असर तो ओवरऑल नतीजों में भी होना चाहिए था। वो तो पूरे नतीजों में भी नहीं दिख रहा है और इस यात्रा रूट पर भी नहीं दिख रहा है, तो क्या है आपके मुताबिक इसका निचोड़? देखिए, अगर आप ओवरऑल देखिए, मेरा ये कहना है कि अगर इस इलेक्शन में जो कल के रिजल्ट आएंगे, अगर आप उसमें एनडीए को बढ़त दिखा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया अलायंस कम हो रहा है, और कम हो रहा है तो ऐसा नहीं है कि कांग्रेस बढ़ रही है बाकी पार्टियां कम हो रही हैं। अगर कहीं से कम हो रहा है तो कांग्रेस भी कम हो रही है। तो मेरा ये कहना है कि 2019 की तुलना में, अगर हम इसको मान के चलते हैं यही होगा, तो कांग्रेस की स्थिति कमोबेश वही है या जो भी है। एक और बात मैं कहूँगा, देखिए ये जो स्टेट का राज्यों के चुनाव की बात हो रही है, तो ठीक है, चूँकि साउथ में जैसे कर्नाटक में अब दो ही पार्टियाँ हैं, भाजपा है और कांग्रेस है, ऐसे तेलंगाना में ये एक बीआरएस जो वहाँ की रीजनल पार्टी थी, वहाँ बीजेपी नहीं है, तो अब वो रीजनल पार्टी की जो भी एंटी इनकम्बेंसी होगी ऑटोमेटिक उसका फ़ायदा कांग्रेस को मिलेगा, क्योंकि और कोई पार्टी वहाँ नहीं है। तो मैं ये कर एक बड़ा टिपिकल बता दूँ आपको, अभी जो दिसंबर में मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में चुनाव हुए हैं जी, उसके पहले जो राहुल जी के साथ जो क्या क्या चीज़ें थी, जैसा राजेश जी कह रहे हैं भारत यात्रा थी, भारत जोड़ो यात्रा, उसके अलावा इंडिया अलायंस बन चुका था, और तीसरा जो था जातीय जनगणना, इन तमाम तीनों नारों के बावजूद जिस तरह से मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस हट गई, पराजय उसकी हुई, तो मेरा ये कहना कि अगर राहुल गांधी की यात्रा कहीं से उसका कोई असर होता तो जो तीन विधानसभाओं के चुनाव हुए हैं वहां भी दिखाई पड़ता, नहीं दिखाई पड़ा। यानी आप पिक चूज नहीं कर सकते, जहां पर जीत दर्ज कर ली वहां पर असर हुआ, जहां पर जीत दर्ज नहीं की उनको आप कहें कि वहां पर इसका असर नहीं था, यानी वो तमाम चुनाव हो चुके हैं अब। लेकिन हम बात करते हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा की भी, और फिर उसके पर भी हमारे जो मेहमान हैं उनसे राय लेंगे। लेकिन भारत जोड़ो न्याय यात्रा देखिए कहाँ कहाँ से गुजरी, लगभग 15 राज्यों से होकर ये गुजरी है, 90 सीटें लोकसभा की इस रूट पर आई हैं, और इन 90 सीटों में से देखिए किसको क्या मिल रहा है। 65 सीटें एनडीए को मिल रही हैं इस रूट पर, और इंडिया गठबंधन को 23 सीटें मिल रही हैं, अन्य के खाते में 2 सीट जा रही हैं। और देखिए ये अंतर भी हम इस तरह से देख सकते हैं कि ये जो यात्रा थी वो ज़्यादातर उत्तर भारत के हिस्से से गुजरी है, नॉर्थ ईस्ट से होते हुए फिर उत्तर भारत में आई और फिर यहाँ से गुजरी है। तो देखिए यहाँ पर शिव हमारे साथ मौजूद है, शिव, और ये देखिए इसमें हम पूरी तरह से देख सकते हैं कि या तो भगवा है या बहुत डार्क ब्राउन, यानी बड़ी जीत गुजरात और बाकी राज्यों में ज्यादातर सीटें मिल रही हैं बीजेपी। बिल्कुल, आप देख सकते हैं ज्यादातर सीटें जरूर मिल रही है, लेकिन इसमें मैं कहूंगा कि यहाँ पे जो एडवांटेज मिला है इंडिया, इन सीटों पे इंडिया गठबंधन बेटर कर रही है जो भारत जोड़ो यात्रा से। यहाँ पर करीबन पिछली बार की तुलना में यहाँ पे अगर इंडिया अलायंस को, जैसी इंडिया अलायंस अभी है उसको लिया जाए, तो करीबन 10 से 15 सीट थी और इस बार थोड़ी ज्यादा बढ़ी है अभी, यानी 2019 में 10 से 15 सीट थी इंडिया अलायंस में। हम उन पार्टनर्स को भी जोड़ रहे हैं जो अभी अलायंस में है, तो उसके बाद बढ़त मिली है, कम से कम इनको 7 से 8 सीटों की बढ़त मिली है। और वो बढ़त कहाँ पे मिली है? बढ़त इनको आई थिंक ये नागालैंड की तरफ मिली है, इनको यूपी में मिली है, महाराष्ट्र में मिली है, बिल्कुल मिली है, और थोड़ी बहुत क्योंकि बिहार में भी है और यहाँ पे बंगाल में भी, को भी हमने इंडिया अलायंस का एक हिस्सा माना है, तो बंगाल में मिली है बिल्कुल। तो देखिए यूपी में भी मिल रही है बढ़त, महाराष्ट्र में जो हमारे एग्जिट पोल भी तस्वीर दिखा रहा है उसकी वजह से यहाँ पर बढ़त है, और अब क्योंकि अलायंस पार्टनर्स भी बदल गए हैं बिल्कुल, वो भी असर हमें इसमें देखने को मिल रहा है। तब बीजेपी के साथ थे और अब बीजेपी के साथ नहीं है, अब इनके अब इस गठबंधन का हिस्सा है, तो वो असर भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है।